अगर आपके पास गुरुग्राम में कोई खाली प्लाट है तो चेक जरूर कर ले, कहीं आपका प्लाट किसी ने बेच तो नहीं दिया। जी हाँ, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गुरुग्राम पुलिस ने एक ऐसे गैंग को गिरफ्तार किया है जो गुरुग्राम के पाश एरिया में खाली पड़े प्लाटों को बेचने का काम करते थे। ये गैंग अब तक 50 से 60 करोड़ के प्लॉट बेच चुकी है। गुरुग्राम पुलिस की माने तो सुशांत लोक थाने में आई शिकायत के आधार पर गुरुग्राम पुलिस ने जांच की तो पता चला कि ये प्लॉट किसी और ने फर्जी कागज और फर्जी लोगों को तहसील में खड़े कर बेच दिया गया, जिसके बाद इस मामले में केस दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की। पुलिस को अब तक ऐसी 5 शिकायतें मिल चुकी हैं। इस मामले में गुरुग्राम पुलिस जांच आगे बढ़ाते हुए एक महिला सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गुरुग्राम पुलिस की माने तो इनकी एक गैंग है जो सबसे पहले खाली प्लाटों को ढूंढती है और फिर उसके बाद उस प्लॉट के कागजात निकलवाने और उसके बाद शुरू होता है करोड़ों का खेल। ज़मीन के कागजात के आधार पर ये गैंग ज़मीन मालिक की फर्जी आईडी तैयार करते हैं जिसके फ़ोटो इनके होते हैं और नाम ज़मीन मालिक का। उसके बाद ये लोग तलाशते खाली प्लाट के खरीदने के इच्छुक लोगों को और उन्हें किसी मजबूरी का हवाला देते हुए मार्केट रेट से कुछ कम दामों पर करंट रजिस्ट्री की बात कर तहसील में खुद को प्लाट मालिक बनाकर प्लॉट बेचकर रफू चक्कर हो जाते हैं। इस तरह के मामलों में अब तक गुरुग्राम पुलिस 5 केस दर्ज कर चुकी है। गुरुग्राम पुलिस के पास फर्जी कागजात बनाने की मोहर, तहसील और फर्जी स्टैम्प की कुछ मोहरें भी हाथ लगी हैं, जिसके बाद अब पुलिस को उम्मीद है कि इस करोड़ों के खेल में तहसील के कर्मचारी भी शामिल हो सकते हैं, जिसकी जांच के लिए गुरुग्राम पुलिस ने एक SIT का गठन किया है। अब इस पूरे मामले की जांच करे जो इस पूरे मामले की जांच करेगी। साथ ही पुलिस को उम्मीद है कि आरोपियों की गिरफ्तारी से कई तरह के केसों का खुलासा होगा। दिसंबर और जनवरी के महीने में, दिसंबर 2019 और जनवरी 2020 के महीनों में हमारे पास कुछ कंप्लेंट्स आए सुशांत लोक के इलाके से कि कुछ लोग अंसल प्लाजा, अंसल की कुछ प्लॉट्स पर कब्जा कर रहे हैं, जिसके अंदर एक फर्जी आदमी को तहसील के अंदर खड़ा करके उसकी रजिस्ट्री करवा ली जाती है तथा उस प्लाट का कब्जा करके और उसको आगे बेच दिया जाता है। इस तरह के जब हमारे पास रिपीटेड मुकदमे हैं तो हमने इनका संज्ञान लेते हुए इसके अंदर हमने 5 FIR दर्ज की थी, जिसमें 441, 42, 43, 2019 की तथा मुकदमा नंबर 12 और 13 2020 के, ये सुशांत लोक में मुकदमे दर्ज किए गए थे। जब मुकदमे की हमने इसके अंदर जब अनुसंधान किया तो हमारे सामने आया कि ये एक गैंग है जो कि फर्जी कागजात तैयार करते हैं। सबसे पहले इनका जो करने का तरीका था वो इस तरह रहता था कि सबसे पहले ये लोग एक खाली प्लॉट को देखते थे, फिर उसके मालिक के बारे में उसकी सूचनाएं, उसकी जानकारी इकट्ठा करते थे तथा उसके बाद उस मालिक के फर्जी कागजात तैयार करके, फर्जी रजिस्ट्री तैयार करके, उसके फर्जी आईडी कार्ड तैयार करके और उसके बाद उस प्लॉट को अपने नाम रजिस्ट्री करवा लेते थे तथा बेच देते थे। तो इस संबंध में हमने जब मुकदमा नंबर 12 और 13 के अंदर जो मुख्य आरोपी थे विभा और उसके अलावा राजेंद्र, इन दो मुख्य आरोपियों को पता किया तो हमें इस पूरी चेन का पता चला कि किस तरह ये लोग दिल्ली के अंदर एक और गैंग से मिले हुए थे जहां से ये फर्जी स्टाम्प्स बनवाते थे तहसील के नाम की, फर्जी रजिस्ट्रियों के लिए कागज़ तैयार करवाते थे ये लोग। साथ ही हमने जब इनके यहाँ पर रेड की तो हमें कुछ कागजात भी मिले जो ये और फ्रॉड करने वाले थे। करीब 2 से 3 प्लॉट का रिकॉर्ड हमें और मिला है जिन पे अभी आने वाले टाइम में कब्जा करना चाहते थे। देखिए अभी ये पूरा अनुसंधान का विषय है, इनको रिमांड पर लेकर आगामी पूछताछ की जाएगी कि कैसे इनको पता चलता था कि कौन सा प्लॉट खाली है तथा किसके नाम है। इसके अंदर अंचल के भी कुछ कर्मचारियों की मिली भगत की हमें अंदेशा है, साथ ही हमें तहसील के भी कुछ कर्मचारियों की मिली भगत होने का अंदेशा है। कितने प्लॉट अभी तक ये बेच चुके हैं? देखिए फिलहाल जो है 3 प्लॉट के बेचने की फिराक में थे, 2 का रिकॉर्ड आ चुका है, बाकी और इन्होंने इनके ऊपर पहले भी मुकदमे रह चुके हैं गुड़गांव में भी तथा बाहर भी, उनके बारे में अभी इनसे रिमांड के दौरान जब पूछताछ की जाएगी तो एग्जैक्ट फिगर हम तब बता पाएंगे। देखिए इनका पहले भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, राजेंद्र और विभाज में वे गुड़गांव के रहने वाले हैं तथा इनके खिलाफ पहले भी कुछ मुकदमे गुड़गांव के अलग अलग थानों में रजिस्टर्ड हैं इनके खिलाफ,
और ये काम ये पहले से करते आ रहे हैं। जब ये सुशांत लोक में हमारे सामने एक ही मोडस ऑपरेंडी से ये अलग अलग तरह के कारनामे इनके अलग अलग तरह के इनके मुकदमे आने लगे, तब हमने इस पर गहराई से छानबीन आरम्भ कर दिया। गुरुग्राम की बात करें तो करोड़ों के रेट के नोट अब तक इन्होंने कितने पैसे इन लोगों से ठगे और कितने? देखिए, सभी जानते हैं कि सुशांत लोक हमारी काफ़ी ही पोश इलाका है और करीब से करीब जितना हमें लगता है प्रारंभिक जहाँ से 50 से 60 करोड़ के करीब तो ये जो चीज़ें सामने आई हैं काफ़ी कर चुके हैं इतने का फ्रॉड। सर, ये जो प्लॉट थे उनको कैसे फाइंड आउट करते थे, एनआरआई लोग थे या कौन थे? देखिए, ये वो लोग प्लॉट थे, ये पहले पूरी रेकी करते थे कि इन प्लॉट के ऊपर कौन लोग मालिक जो है वो बार बार अपना आके उसकी देखभाल नहीं कर रहा है, तो इस तरह से रेकी करते। जब इनको पता चल जाता था कि मालिक इस प्लॉट की ओर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा तो फिर ये अपनी आगामी कार्रवाई शुरू करते। कितने लोगों का गिरोह था सर ये? देखिए, अभी तक प्रारंभिक जांच में हमें 3 ये जो अरेस्ट हुए हैं 3 लोग अभी तक अरेस्ट हो चुके हैं तथा करीब करीब 5 से 6 लोग हमें अभी और अरेस्ट करने हैं। कितने पढ़े लिखे हैं ये और कहाँ के रहने वाले हैं? रहने वाले मूलतः ये गुड़गांव के ही हैं तथा इनका पुराना रिकॉर्ड अभी चेक करना पड़ेगा और पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं है। और ये फेक जो डॉक्यूमेंट्स है कहाँ पर बनवाते थे? देखिए, जो प्रारंभिक जांच में है फेक डॉक्यूमेंट्स के लिए ये जो कुछ हमें ये सील स्टाम्प्स जो है तहसील की स्टाम्प्स हैं ये मिली हैं, फर्जी कागजात जो ये अंसल के तैयार करवाते थे और प्रॉपर ये जो चीज़ें मिली हैं अभी तक इनके तार दिल्ली से जुड़े हुए प्रतीत होते हैं। दिल्ली में जो गैंग है वो भी कई करोड़ों का गबन कर चुका है जी। बिल्कुल, ये चीज़ अभी सामने आएगी क्योंकि अगर ये काम ये तो सिर्फ एक गुड़गांवा के ही 2-3 प्लॉट्स का हमारे सामने है, अभी इनका पूरा इनका इतिहास जो इनका आपराधिक इतिहास रहता था आगे के इनके जो हमें डॉक्यूमेंट्स इनकी दुकान से मिले हैं 3-4 प्लॉट्स जो अभी और इनके पाइपलाइन में थे उनमें हम आगामी जाँच और करेंगे। इनका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है किन मामलों में रहा है? ये बिल्कुल ये 420 के फ्रॉड में ही रहे हैं बार बार अंदर 5-6 मुकदमे। ऑफिस प्रॉपर्टी के नाम से खोला हुआ था? देखिए, इनमें से एक व्यक्ति ने ऑफिस जो है अपना प्रॉपर्टीज के नाम से खोला हुआ है और इनका एक ग्रुप था जिसके अंदर ये सर्कुलेट करते रहते थे, प्रॉपर्टी कई ग्रुप से इनको सूचना मिलती थी कि कहाँ पे कौन सा प्लॉट खाली है, फिर उसकी आगे हमें रेकी करते थे उसके आगे से। इनके जो अन्य सदस्य उनकी पहचान हो गई है? पहचान हो गई है अभी वो हम ताकि उनको धरपकड़ कर सकें इसलिए हम उजागर नहीं करेंगे, बट पहचान हमें हो चुकी है 3 से 4 करीब इनके ग्रुप के लोग जो हैं उनके लिए भी हम रेगुलरली कंडक्ट कर रहे हैं। देखिए, टोटल ये 5 केसेस हैं जिनमें से 2 का खुलासा हो चुका है क्योंकि 2 के अंदर तो इनके डायरेक्ट लिंक्स आए थे, 3 ये करीब जो इनके हमें इनकी दुकान से जो कॉपीज मिली हैं प्लॉट्स की जो इन्होंने कागजात तैयार कर लिए थे, अगर ये नहीं पकड़े जाते तो ये 3 मुकदमों में 3 और ऐसे केसेस कर चुके होते, तो इनसे जांच में भी और भी चीज़ें सामने आएंगी कि इन्होंने गुड़गांवा या NCR एरिया में और कहाँ कहाँ पर इस तरह के फ्रॉड किए हैं। जिनको ये बेचते थे क्या उनसे इनका संपर्क कैसे होता था? देखिए, इनमें से एक जो विभा है विभा अपने नाम सबसे पहले करवाती थी और उसके बाद वो आगे इसको बेचती थी, तो विभा को भी अरेस्ट किया जा चुका है, विभा के भी इसमें डायरेक्ट लिंक्स आए हैं। मार्केट रेट पर ही बेचते थे या सस्ता? देखिए, फर्स्ट ये अपने आप में पहले जो लेता वो तो इनका इनर सर्कुलेशन ही था कि एक अपने ही अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए थे, अपने नाम रजिस्ट्री करवाई, उसके बाद ये मार्केट प्राइस पर ही उसको आगे बेचते थे। ऑफिस इसका सेक्टर 53 के इलाके में, वो आपको एग्जैक्ट डिटेल्स दे दी।